मोहनपुर नाम के गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों का परिवार अलग अलग था। राम खेतीबाड़ी का काम करता था, जबकि श्याम पहाड़ों के पार बने जंगलों से लकड़ी तोड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। पहले राम और श्याम एक साथ ही रहते थे, पर राम की पत्नी के आ जाने के बाद राम ने श्याम को अलग कर दिया और जमीन का हिस्सा खुद ले लिया। बदले में राम को एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। जमीन हड़प कर राम अच्छा पैसे वाला बन गया, जबकि श्याम बेहद गरीब हो गया। सुनो जी, आज अगर तुमने सीधे पन में वो जमीन जेठ जी को न दी होती तो आज उसमें से आधा हिस्सा हमारा होता। सुलेखा, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हमारे भाग्य में जितना मिलना लिखा है उतना ही हमें मिलेगा, इसलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाने में शाम हो जाएगी। श्याम लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता है। पहाड़ के पास बहने वाली एक नदी दलदल से भरी हुई थी। उस रास्ते से कोई भी गांव वाला गुजरते हुए भी घबराता था। श्याम भी जब लकड़ियाँ काटने जाता तो उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाता था। नदी का किनारा दलदल से भरा हुआ था, इसलिए सब उस नदी के रास्ते जाने से डरते थे। पर श्याम जब पहाड़ी पार करके नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक बड़े पहाड़ के पत्थर गिरने से वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिस रास्ते श्याम जाता है। अब क्या करूं? इस रास्ते पर तो पहाड़ी के पत्थर गिरे हुए हैं, ये तो पूरा रास्ता बंद है। अब तो मुझे उस दलदल वाली नदी के रास्ते ही जंगल जाना होगा। श्याम मजबूर था, इसलिए उसे उसी नदी के रास्ते जंगल जाना पड़ा। श्याम बहुत आराम आराम से नदी के किनारे से निकल रहा था। अचानक ही उसे दलदल में से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। श्याम ने मुड़कर देखा, दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो कुछ ही देर में दलदल में डूबने वाली थी। कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ। हे भगवान, ये गौ माता तो इस दलदल में डूब जाएगी, मुझे इन्हें बचाना होगा। श्याम का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसने गाय को सुरक्षित बचा लिया, पर अचानक वो दलदल वाली नदी एक सुनहरे बाग में परिवर्तित हो गई और वो गाय एक सुंदर कन्या में बदल गई। ऐसा नजारा देखकर श्याम हैरान रह गया। सुनहरे बाग में बहुत सारे सोने के पेड़ लगे थे, जिन पर सोने के अंगूर लटक रहे थे। ये सब क्या है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो दलदल वाली नदी कहाँ गायब हो गई? उसकी जगह ये सुनहरे सोने के पेड़ों पर सोने के अंगूरों से लदा बाग, ये सब क्या जादू है? तभी वहाँ एक सुंदर अप्सरा आती है। नहीं युवक, ये सपना नहीं हकीकत है। वास्तव में ये दलदल मायावी है और ये हमारी सेविका रूपमाला है। रूपमाला को किसी नियम के उल्लंघन के कारण राजमाता से दंड मिला था कि जब तक इस रास्ते से जाता हुआ कोई मनुष्य इस पर दया करके नहीं बचाएगा, तब तक ये अपने असली रूप में नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, नहीं तो कोई भी निस्वार्थ भावना से मेरी मदद को तैयार नहीं था। हम जादुई अप्सराएं इस सुनहरे वन में रहती हैं। अपनी सुरक्षा रखने के लिए हम अपने इस जादुई वन को छुपाकर रखते हैं, ताकि कोई भी लालची मनुष्य हमारे इस वन को और हमें नुकसान न पहुंचा सके। अब तुमने रूपमाला की इतनी मदद की है तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। आओ युवक, हमारे साथ हमारे महल में चलो, तुम्हारा हमारे इस जादुई सुनहरे वन में स्वागत है। राजमाता तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। श्याम उनके साथ सुनहरे महल में चला जाता है। राजमाता, श्याम बहुत ही दयालु है, यह तो आपको पता चल ही गया, तभी हम श्याम को आपसे मिलवाने महल में ले आए। हाँ, यह तो हमें ज्ञात हो ही गया है। रूपमाला को हमने क्रोध में आकर दंड दे दिया, पर हमें चिंता थी कि कौन निस्वार्थी मनुष्य रूपमाला की मदद करेगा, पर तुम्हारा दयालु स्वभाव जानकर हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। मैंने तो ऐसा नजारा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, न ही ऐसे बढ़िया पकवान खाए थे। वास्तव में ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी पत्नी घर पर राह देख रही होगी, मुझे जंगल से लकड़ियाँ काट कर जाना है, वैसे भी रात घिराई है। हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देंगे, और अब तुम्हें लकड़ियाँ काटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह लो, यह हमारी सुनहरे बाग के सोने के अंगूर। तुम इन सोने के अंगूरों को बेचकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। चांदमाला, रूपमाला, श्याम को बगीचे के बाहर तक छोड़ाओ, ताकि श्याम को कोई तकलीफ ना हो।
अप्सरा चांदमाला और सेविका रूपमाला श्याम को बगीचे के बाहर तक छोड़ आती हैं। जैसे ही श्याम बगीचे से बाहर आता है वह बगीचा गायब हो जाता है और फिर से एक दलदल वाली नदी बन जाती है। इसके पश्चात श्याम घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी सुलेखा भी सोने के अंगूर देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन श्याम सोने के अंगूर बेचकर खूब सारा धन ले आता है और उससे राशन का नया व्यापार शुरू करता है। अब उसकी गरीबी बिल्कुल दूर हो गई थी। श्याम सीधा साधा भोला भाला था। वो बातों ही बातों में अपने बड़े भाई राम को सारी सच्चाई बता देता है। राम और उसकी पत्नी सुमन भी उन सोने के अंगूरों को पाने का लालच करने लगते हैं और उस दलदल वाली नदी के पास बिना किसी को बताए चले जाते हैं। अजी, हम अपनी गाय ले तो जा रहे हैं, अब इसे दलदल में जल्दी से फेंक देंगे और बोल देंगे कि ये हमारी गाय नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस गाय को दलदल में धक्का देकर ही मानूंगा, उसके पश्चात हमें सोने के अंगूर मिल जाएंगे। लालच राम और उसकी पत्नी के सिर के पार हो चुका था। वो जानबूझकर एक निर्दोष गाय को उस दलदल में फेंक देते हैं। गाय बचने के लिए गुहार लगाने लगती है, पर एक जादुई शक्ति से गाय दलदल से बाहर आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है, पर उसकी जगह राम और उसकी पत्नी दलदल में फंस जाते हैं। अजय, क्या हो गया? यहाँ तो कोई सोने का बाग नहीं है, हम तो दलदल में डूबते जा रहे हैं। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। लगता है हमें हमारे लालच का फल मिल गया। हमने लालच में आकर एक निर्दोष जानवर को मारना चाहा, जिसका फल हमें मिल गया। सुमन, अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, हम दोनों इस दलदल में डूब जाएंगे। राम और उसकी पत्नी सुमन लालच का शिकार हो जाते हैं और उस दलदल में डूब जाते हैं। श्याम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत फूट फूट कर रोता है, पर वो जानता था कि उसके भाई और भाभी ने हमेशा लालच में आकर बुरे कर्म किए, शायद उसी का परिणाम उनका ऐसा दर्दनाक अंत था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपनी बुद्धि को नहीं खोना चाहिए और कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी। बचपन में जब सुहानी की माँ का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सुहानी की सौतेली माँ सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योति को भी साथ लाई थी। सुहानी और ज्योति अब बड़ी हो चुकी थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। ये देखकर सुधा सुहानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन, ज्योति तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुंदर बालों वाली बन, देख उसके बाल कितने काले लंबे और घने हैं, पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुशबू वाली जड़ी बूटियां लाकर दी हुई हैं। पर तुझे घूमने से फुर्सत मिले तो तू बालों पर ध्यान देना, सुहानी को देख कितने सुंदर बाल है उसके। माँ, सुहानी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर है, मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुधा, सुहानी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं सुहानी को ये खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई विवाह नहीं करना। नहीं सुहानी बिटिया, हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपनी ससुराल जाए, और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है। सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री ज्योति का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस सुहानी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है, मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी। सुहानी जाओ जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए, ये कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई, मेरे बाल कहाँ चले गए? पिताजी, पता नहीं मैं नहाकर बाहर आई हूँ तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूँ? हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, अब तुम गंजी हो गई हो, अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख क्यों मिला? सुहानी का रिश्ता टूट जाता है।
महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी, और ऐसा होते देख सुधा और ज्योति मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे ये गंजी लड़की कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी, मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी हैं। फिर मैं जीकर क्या करूंगी। तभी सुहानी के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, माँ आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर। मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूंगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फेरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने चांदी के सुनहरे चमकते बाल सुहानी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। माँ, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। खुशी खुशी अपने घर जाओ सुहानी, अब कभी भी उदास नहीं होना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रही थी, इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ लग गई है, भीड़ में से निकलने की कोशिश करती हूँ। ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की, अरे भीड़ में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कितने सुंदर बाल हैं इसके, कहाँ गायब हो गई, हम रथ से उतर कर भी नहीं जा सकते। ओहो, कितने सुंदर बाल थे उसके, वो तो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। सुहानी घर पहुँचती है। मैं अपने बालों को इस दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेरों सवाल पूछ लेंगी। मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सिर को छुपाना पड़ता है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके। सुहानी अपने कमरे में आ जाती है। उधर राजकुमार सूरज सिंह सुहानी के ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार सूरज सिंह, आपके स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है, पर ये तुम क्या बना रहे हो, बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल हैं, और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। बस मुझे उसे ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगी मैं यही सोच रहा हूँ। पुत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है, तुम ऐसी लड़की कहाँ ढूंढोगे, ये जिद छोड़ दो। पिताजी, चाहे मुझे पूरे नगर में ऐलान ही क्यों ना करवाना पड़े, मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंढनी है, और जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए, जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के हैं हम उसी लड़की से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। क्या, राजकुमार सूरज सिंह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी ज्योति के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूंगी, राजकुमार को क्या पता लगेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें ज्योति को स्वीकारना ही होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया। अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे। ये देखकर सेनापति असमंजस में पड़ गया, और वो राजकुमार सूरज सिंह के पास पहुंचा। राजकुमार सूरज सिंह जी, बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। नगर में जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं, उन सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है जिसके बाल सचमुच सोने चांदी के हैं। सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है। ये लड़की कौन है, इसे भी महल में चलने का आदेश दो। सेनापति जी, पर ये तो गंजी है। सेनापति सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देता, और ज्योति के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है। आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधु ढूंढ सकूं, पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए। अब एक एक करके सभी कन्याएं इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी, और बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या हो रहा है, अब तो ज्योति की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी कि इसके बालों में सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है।
एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। बस ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार, इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। पर ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने ये मैं क्या बोलने जा रही थी। इनमें से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली, पता नहीं वो कौन थी, बस ये आखिरी उम्मीद रह गई है। सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है। सुधा और नगर के सभी लोगों की निगाहें सुहानी के सोने चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। सुहानी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है, उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है, पर मेरे बिना पिताजी। सुहानी बेटी, अब वक्त आ गया है तो इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके। तुझे जीवन में बहुत दुख मिले हैं, पर अब राजकुमार सूरज सिंह के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती रह जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।